अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारे मुल्कों को जो है वर्कर्स के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से आपको गुड न्यूज़ देता चलूँ कि न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने वर्क वीज़ा अनाउंस किए हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने ये डिसाइड किया है कि वो इस साल के अंदर तकरीबन 16,500 लोगों को वर्क वीज़ा देंगे। ठीक है जी, उस वर्क वीज़ा को उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसमें कुछ टीचर्स हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज में फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम यूके की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेग्जिट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन वापस अपने कंट्री में चले गए हैं। एज यू नो कि अभी कुछ टाइम पहले, एक महीना या अभी भी, लॉरी ड्राइवर्स की शॉर्टेज की वजह से लॉरी ड्राइवर्स को वीज़ा दिया गया है यूके में वर्क वीज़ा, जिसकी लिमिट कम थी, लेकिन अब उस लिमिट को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और उस लिमिट को मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है यूके में। आप अगर रिसर्च और रिपोर्ट पढ़ें तो एक बहुत बड़ा फिगर है जितने लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यूरोपियन सारे वापस जा चुके हैं। उनकी प्लेस को कवर करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी PR हासिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा वीज़ा वीज़ा को कैसे परसू करते हैं, आप किन सब्जेक्ट्स में आते हैं और आप अपने कैरियर को कैसे लेके चलते हैं। उसके लिए आपके कैरियर की सिलेक्शन, आप किस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट में आपको आगे वर्क वीज़ा मिल सकता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के लिए जनवरी इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग जनवरी इनटेक में आएंगे उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो आके अपनी स्टडी मुकम्मल करें और ऐसे सब्जेक्ट्स में स्टडी लें जिनमें आगे वो अपना वीज़ा वर्क वीज़े में शिफ्ट करा सकें और अपनी नेशनैलिटी को परमानेंट PR में शिफ्ट करा सकें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।